चर्चा करेंगे, शुरुआत करेंगे, लेकिन हमारे साथ युवा नेता जुड़ चुके हैं। भारत के एकदम पश्चिमी कोने से ये नेता जुड़े हैं। यहाँ पर ऐसी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत हो गई है जो बड़ी दिलचस्प है और इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी है। ये तस्वीर आप मेरे बगल में चलती हुई देख रहे हैं। आप सोचिए, मैं आपसे कहूं कि 26 साल का एक लड़का है, उसे देखने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए भीड़ आई है। आप यकीन मानेंगे, शख्स आपके सामने, इतनी सी उम्र में सियासत के बड़े बड़े योद्धाओं को इस शख्स ने पानी पिला दिया है। जब पूरे देश में आर पार की लड़ाई है, तब रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर में त्रिकोणीय संघर्ष में उतरते हुए दिख रहे हैं और रविंद्र सिंह भाटी के नामांकन में जो भीड़ आई उसे देश देख रहा है। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हैरान हो रहे हैं, हम खुद हैरान हो गए। भाटी ने पहली जो जंग है नामांकन की, वो जीत ली है। यानी चुनाव जिन चार हिस्सों में बढ़ जाता है उसका पहला चरण इस युवा के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। रविंद्र सिंह भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कई हाल चाल है आपका? खम्मा गणी हुकम। बहुत ही बढ़िया, खम्मा गणी हुकम एकदम जोरदार लंक। हाँ रविंद्र भाई, कई कर रहे हो आप, अतरी भीड़ लागड़ा हुकम किस तर बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता और प्रेम है सा। ये कैसे आशीर्वाद देने वास्ते आया आपरे टाबर रविंद्र ने? आपरे टाबर रविंद्र ने, आपरे भाई रविंद्र ने आशीर्वाद देने वास्ते आया और यह कहो कि रविंद्र की हिम्मत नहीं कम होनी चाहिए, ये सब मजबूती रे मीना बेड़ा एक विश्वास दिलाने वास्ते है सारे लोग आए। मतलब आप खुद मोदी से प्यार करते हैं और आप मोदी की ही पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं जनता के हित में चुनाव लड़ रहा हूँ। 2023 में भी निर्दलीय था, जनता का आशीर्वाद था, विधायक जनता ने बनाया और 2024 में भी जनता के आदेश के अनुसार मैं मैदान में आया हूँ और मुझे मेरे बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता पे विश्वास है, वो पूरे तरीके से मेरी बात रखेंगे, उनके आदेश की पालना मैंने की है और मजबूती से आने वाले 26 तारीख के चुनाव में सब मुझे आशीर्वाद देंगे। पर रविंद्र भाई साहब, यो पहली बार तो नहीं है, पहली बार तो ये नहीं हो रहा है कि आपने ऐसे बगावत कर दी है। इससे पहले भी हमने वो बगावत देखी है, हाँ, और अब पहले निर्दलीय आप जीत कर आए, अब आप जो है लोकसभा में जा रहे हैं, ये बागी तेवर क्यों आ गए हैं? फिर तो पार्टी कहेगी ना कि आपके साथ कायर है। हुकम मारे तो मैं तो एक महाराज जी ने पूछे हुकम कि 2019 में मीना छात्र संघ रो चुनाव लड़े तो ही मैंने निर्दलीय लड़नु पड़े, 23 में मीना विधानसभा लड़नु पड़े तो भी निर्दलीय और 24 में भी निर्दलीय लड़नु पड़े, तो वो कहो कि लेनियो था ना निर्दलीय रे मीना ही है और जनता रो आदेश है और जनता रे आदेश की पालना करो, जब संघर्ष मोटो है जब परिणाम भी बढ़िया हो और जीत भी मोटो हो बस मजबूती मीना मेहनत करा जाओ तो स्थितियां परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती है कि जनता के आदेश के अनुसार हमें आगे आना पड़ता है। इनकी आवाज को जब मजबूती से देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब नहीं रखा जाता तो जनता कहीं ना कहीं निराशा की ओर जाती है और आशा के साथ में हम पे ये जिम्मेदारी सौंपी है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आने वाले 26 तारीख के चुनाव में इनके पूरे भरोसे पे पूरे तरीके से खड़ा होते हैं। भाटी भाई जी, सच ये है कि आप दो बड़े कद्दावर नेताओं के सामने मैदान में उतर रहे हैं, हाँ, मतलब एक केंद्र मंत्री हैं, दूसरा आरएलपी से आप यहाँ कांग्रेस में आए, लेकिन जाट में इन दोनों की पकड़ इस समाज में बहुत अच्छी खासी है। इन दोनों के सामने तो आप छोटे से हैं, इतरो सो नानो सो टाबर। बिल्कुल हुकम, नैनो से टाबर ही ठीक है और मेरा पूरा भरोसा है कि ये नैनो से टाबर है मात्र शक्ति सी कौम रहा है लोग बुजुर्ग मात्र शक्ति पूरे तरीके मीना विश्वास जता है आशीर्वाद रखे और मेरा खूब लाड कोट दे रहे मीना 26 तारीख रो ये चुनाव में जीता है मेरा पूरा भरोसा। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये बगावत हुई क्यों? ये हैंडपम्प का किस्सा, एक लेटर रविंद्र जी बड़ा फेमस हो रहा है, क्या मामला था वो, मतलब क्या हुआ, क्या था? बिल्कुल कई सारी चीजें गिर मीना है और साथ ही साथ में जब 5 गांव जब पांडवों मांगे तो 5 गांव जब कोनी मिले जब महाभारत युद्ध हुए
कहीं ना कहीं आप कह सको कि दो हेडपंप रो भी ईरगढ़ सीधे सीधे जुड़ाव रहे, पर मैं आपने विश्वास दे रहा हूँ कि हमारे बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा और विशेषकर सीमांत क्षेत्र की जनता की आवाज नवीन जी दबन को अधिकार रवीन जी दो हैंडपंप के लिए महाभारत पांच गांव वास्ते शुरू हुई थी जिसे ना आज तक आप याद रखा और विश्वास ने बेड़ो क्या हाँ। कि दो हैंडपंप वाली जो महाभारत है आने वाले दौर में मीना एक नए इतिहास लिखे। मैं चाहूं कि आप मारा लारे राजस्थान में ही बात करें, पर देश की जनता जो है वो रवीन जी आपको हिंदी में भी सुनना चाहेगी। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है, मारे तो घड़ो चोखो लाग रहे हो, लेकिन सच ये कि आपको हिंदी में भी सुनना चाहेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि पांच गांव के लिए जो महाभारत थी वो हैंडपंप से शुरू हुई और ये हैंडपंप पर ही खत्म होने वाली है। ये जीत के साथ में देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो पानी से जो वंचित क्षेत्र है इसकी बात को मजबूती से उठाने के लिए 36 साल के युवा को ये 36 कौम के लोग वहाँ दिल्ली भेजेंगे इस विश्वास के साथ में कि वो वहाँ पे मजबूती से जाके आवाज उठाएगा। और मैं वो भरोसा दे रहा हूँ आपने कि ये बार कई सारा इतिहास बदल है और वो बदलन वाली जनता है। और मैं आपने कहूँ कि आप अबार फरमा रहे हैं कि रविंद्र सामा दो दो बड़ा बड़ा लोग है हाँ। वो आपने भरोसा दे रहा हूँ कि चुनाव रविंद्र को नहीं, यह चुनाव बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता चुनाव लड़ रही है। एक रविंद्र को नहीं है, एक 22 लाख रविंद्र बन रही है चुनाव वास्ते लोग तैयार है और आने वाले 4 तारीख को परिणाम हो तो वाकई ये किया। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि आप दोगे रविंद्र को वोट, रविंद्र तो देंगे मोदी को वोट। रविंद्र क्षेत्र विकास वास्ते वोट है, जे हमारे ये विकास ये क्षेत्र ना को आगे लेर बढ़ सके उनकी बड़े मजबूती रही। अच्छा भजन लाल जी से आपकी मुलाकात हुई थी ना रविंद्र जी? जी जी हाँ कह रहे थे मुख्यमंत्री जी है बतौर हाँ? विधायक मैं और कई बार मिलू भी हूँ हाँ। नहीं नहीं कई लोग कह रहे हैं कि आपको मना लिया गया, वो फूल के अंदर जो है खत छिपा था और उस खत में जो है आप मनवाड़ लिखा था। बतौर विधायक मना कई सारा मसला माता मुख्यमंत्री जी मेरा मिलने का मौका मिले और मुख्यमंत्री जी आदरणीय है और पूरा भरोसा है मैंने कि स्टेट ना सही दिशा में ले जाए। पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ना अगर बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की बात करें, ये लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तो ये एक जनता रो आदेश है, तो जनता रे आदेश की पालना करना मारो धर्म है और मारो कर्तव्य है, तो हमारे कर्तव्य की पालना कर। अच्छा एक तरफ मोदी, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष और फिर तीसरे कोने पर रविंद्र सिंह भाटी, ऐसा तो नहीं है कि निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? भाई वहीं से तो आए हैं, तो वो टाइम स्थितियां परिस्थितियां तय होते, मतलब आप इनकार नहीं कर रहे हैं, नाना करते प्यार उन्हीं से कर बैठे। स्थितियां और परिस्थितियां तय कर है कि हमारे ये क्षेत्र ना आगे तक कौन ले जा सके, विकास और नया आयाम तक कौन पहुंचा सके, देखो ये चीज ना ले रहा विश्वास दे रहा है मैं पूरे तरीके में पूरे भेड़ा। अच्छा ये बताइए कि ऐसा तो नहीं होगा कि लोग आपको कहेंगे बड़ा महत्वाकांक्षी है रविंद्र, अभी 3 महीने तो हुए विधायकी का चुनाव जीते, अभी थोड़ा हमारा भला कर देता हैंडपंप लगाने की बजाय, मतलब अब तो जगह भी नहीं छोड़ी हैंडपंप लगाने की, इतने लोग इकट्ठे कर दिए हैं सांसदी के चुनाव के लिए। लोग महत्वाकांक्षी को नहीं कहे, लोग कहे कि मेहनती है कि 3 महीना की थकान हाल तक लोगों ने उतरी को नहीं थी, फिर पैदल से विधानसभा रीना सभा ना धन्यवाद देने वास्ते पाड़ो गयो और आज पास जब जनता रो आदेश आयो तो अकेले सभा लड़न वास्ते आयो, तो ये चीज रो मैंने धन्यवाद भी दे और मैंने आशीर्वाद भी दे कि थारी हिम्मत यहाँ बरकरार है और मेरा पूरा भरोसा है कि आने वाले 26 तारीख रहा एक साधारण परिवार आने वाले ये युवा रे माथे पूरा क्षेत्र आशीर्वाद रहा। अच्छा अब हमारे बताओ कि आप रो कई विचार है प्रधानमंत्री रबारा में, कैसा नेता है? बढ़िया बता रहा हूँ, अबार तो हमारी खुद ये लड़ाई इतनी बड़ी है, बढ़िया नेता है, बहुत ही बढ़िया है और अबार में हमारे खुद ये क्षेत्र ना ले एक तो लंबो चौड़ो एशिया रो सेकंड सब बड़ो क्षेत्र है तो ये में ना लगे रहा और जदे वो बात आई जदे वो बारी आई जदे निश्चित रूप से मीना आप खुल बात है। रविंद्र भाटी जी बहुत बहुत शुक्रिया हुकम हमसे बातचीत करने के लिए
और आपने जो वो जन सैलाब इकट्ठा किया है, कई बार ऐसा कहते हैं कि सैलाब इकट्ठा करना बहुत आसान हो जाता है लेकिन उन सैलाब में से चार वोट पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वो दिन भी दूर नहीं है जब वोटों की वोट पड़ेंगे, उसके बाद गिनती होगी और मैं चाहूंगी कि उस वक्त भी आप इसी तरह हमारे सामने बैठे हों और उस दिन देखेंगे कि जनता ने आपको सर आंखों पर बिठाया है या नाराजगी जताई, लेकिन हमारी तरफ से आपको खूब सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। तो ये थे रविंद्र सिंह भाटी, इस वक्त हमारे साथ युवा नेता हैं, तादाद में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और जन सैलाब बड़ा कम ऐसा देखने को मिलता है कि नामांकन के दौरान ऐसी स्थिति खड़ी हो जाए, इसीलिए ये चेहरा आपके सामने रखना जरूरी था और कोई और किसी पार्टी के साथ नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस, बंदा अकेले दम पर चुनाव लड़ रहा है, इसीलिए ये इंटरव्यू आपके सामने रखना जरूरी था कि अगर मुद्दा आपके मन में होता है तो जनता देखिए कैसे आपके साथ दिखती है, वोट तो आप ही को करना है, आप डिसाइड करेंगे सारे।